एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड यानी एल्युमिनियम क्लोराइड विद वाटर। तो यहां पर ये सब ऊपर प्लांट बना है, कौन सा प्लांट? एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। और प्लस यहां पर जो हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन ये CH3CO और O के साथ एड होकर क्या बनेगा? एसिटिक एसिड CH3। यह भी एनर्ट एल्युमिनियम का वही फंक्शन है जो अल्कलेशन हमने किया था कि पहले ये एक यहां से एक इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेगा यानी सीटोनियम आयन को या सीलियम आयन को जनरेट करेगा, वे सीलियम आयन जो है वो बेंजीन रिंग पर अटैच करेगा और फिर वहां से एक प्रोटॉन को फारिज कर देगा, वो प्रोटॉन इनके साथ मिलकर बनाएगा एसिटिक एसिड। इट इज द एंड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन। याद रखें कि बेंजीन की एक और प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन। अब बेंजीन जो है स्टेबल है, इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड लाइक ऑर्डिनरी अल्केन्स और अदर सैचुरेटेड कंपाउंड। जिस तरह डिहाइड कीटोन में हम ऑक्सीडेशन करते हैं, हम क्या इस्तेमाल करते हैं? अल्कलाइन केमिनोफोर इस्तेमाल करते हैं या एसिडिफाइड केमिनोफोर इस्तेमाल करते हैं या एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट या सोडियम डाइक्रोमेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेंजीन एरोमेटिसिटी की वजह से, रेजोनेंस फिनोमेना की वजह से ये काफी स्टेबल है। तो इसके लिए हमें ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए और सख्त कंडीशन चाहिए। बहरहाल कोर्स में तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा अर्ज करता हूँ कि बेंजीन कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय द वेलिनिक पेंटॉक्साइड व्हिच इज अ स्ट्रांग एसिडिक एजेंट टू मेलिक, मैं नाम लिखता तो बहरहाल विशेष कोर्स में नहीं है, मेलिक एनहाइड्राइड, मेलिक एनहाइड्राइड MALEIC और इट इज एक्टिंग एज एसिडिक एजेंट। तो बेंजीन की एसिडेशन भी हो सकती है, लेकिन उस तरीके से नहीं जिस तरह आम दूसरे सैचुरेटेड कंपाउंड जिस तरह डिहाइड कीटोन की होती है या जिस तरह अल्केन की हम कर सकते हैं, इस तरह एसिडेशन नहीं हो रही है क्योंकि बेंजीन काफ़ी स्टेबल है। स्टेबिलिटी की वजह से आम जो है कंडीशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो ड्रास्टिक कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ एंड ऑफ दिस टॉपिक। थैंक यू।